तो अभी यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी और इस टाइम पे वैसे भी जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करनी पड़ती है और ये वाइट कलर का मैट्रेस है जिसकी वजह से काफ़ी गंदा भी हो जाता है जल्दी। तो मेरे पास ना अयान के टाइम का वो रखा हुआ है प्रोटेक्टर, तो मैं सोच रही हूँ गद्दे के ऊपर उसी को लगा दूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है धोने की वजह से ना, कई बार धुला है तो नीचे से ना क्रैक सा हो गया उसकी जो प्लास्टिक होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो बचाएगा ही, तो मैं सोच रही हूँ उसको धूप में डाल दूँगी, बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है, अंदर रखा रहा है तो अजीब हो गया होगा, उसके बाद इसे लगा दूँगी। और अभी भी मुझे थोड़ा सा ना ज़मीन में बैठने में दिक्कत हो रही है जो स्टिचेस हैं उसकी वजह से, तो दीदी ने अभी पूरी बेडशीट ठीक करी है, उसके बाद मैं ये ले आई हूँ, मैं दोनों बेडशीट डालूँगी मशीन में, पहले के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए, धुल गए हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मतलब इस वीडियो में हो सकता है सारी बात मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं इकट्ठा इतनी देर नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे जब ऐसे कोई बात कर रही होती हूँ या कुछ बताऊंगी मैं सारी चीज़ें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि काफ़ी चीज़ तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में बात कर लूँ और आप लोगों को बताऊँ सारी चीज़ें। क्योंकि आज मैंने ना 15 दिन बाद मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया होगा, बीच में 15 डेज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने 6ठी का वीडियो शूट किया था, उसके बाद में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, इसी वजह से कि मैं प्रॉपर रेस्ट दे रही थी अपनी बॉडी को। और फिर भी ये देखिए रेस्ट देने के बाद भी क्या हुआ कि मुझे कफ हो गया, कोल्ड हो गया 2 दिन, मतलब कफ और कोल्ड ही अकेले नहीं था, वायरल था पूरा, क्योंकि मैंने जो दवाएं ली ना वो वायरल के लिए, इतनी हाई एंटीबायोटिक थी वो, मतलब क्योंकि वो नॉर्मल कफ होता तो ठीक हो जाता, नॉर्मल मैंने दवा ली तो उससे आराम ही नहीं मिला मुझे 2 दिन, जब वायरल की ली तब जाके आराम मिला। तो आप लोगों से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि थी आपकी डिलीवरी कैसी हुई है, और क्योंकि स्टार्टिंग से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें सारा पता है कि जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा नहीं है क्या, जिन्हें सारी चीज़ें नहीं पता थी वो ये कह रहे थे कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी, तुम्हारी जो हेल्दी प्रेगनेंसी थी कुछ भी नहीं, ऐसी बोलती रहती हूँ, लेकिन जो डॉक्टर की रिपोर्ट में आता है वो तो ऐसा ही नहीं होता। लेकिन मेरे क्या था कि 3 महीने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुआ था, जब तीसरा महीना स्टार्ट हुआ था तब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि इस प्रेगनेंसी से पहले जब हम उधर रहते थे मतलब दूसरे एरिया में रहते थे
तब इस अब से 2 साल पहले मेरे साथ ये हो चुका था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जो कि मुझे 2.5 महीने के बाद में ही, हाँ कितना 8 हफ्ते हो गए थे, 8 हफ्ते के बाद में ही मुझे उसको टर्मिनेट करना पड़ा था। और जो कि बहुत ही पेनफुल स्टोरी थी, बहुत ही पेनफुल स्टोरी थी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी जब ऐसी प्रेगनेंसी होती है वो आपकी फुली हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसमें आपका जो है सेक तो बन जाता है बट उसमें हार्ट बीट नहीं आती है। तो वही चीज मेरे साथ हुई थी जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, तो डॉक्टर ने 2 महीने तक वेट किया था कि शायद अब हार्ट बीट आ जाए, शायद हार्ट बीट आ जाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कभी कभी क्या है कि लेट हार्ट बीट आती है, कभी कभी मतलब देर से भी आ जाती है। तो डॉक्टर ने फुली पूरा इंतजार किया, लेकिन लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि इसको तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा, ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, अब जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। पर बीच में मैंने वीडियो रोक दिया था क्योंकि यहाँ पे सफाई होनी थी, मतलब इधर पे सुबह झाड़ू पोछा नहीं हो पाया था क्योंकि सुबह में जल्दी उठ नहीं पाती हूँ जब वो आती है झाड़ू पोछा करती है, तो इसलिए शाम को मतलब उठ भी गई थी लेकिन फिर क्या फैन वगैरह बंद करना पड़ता है, इस वजह से फिर वो अभी झाड़ू पोछा हुआ है। तो फिर मैं भूल गई मैं कहाँ पे बात कर रही थी। हाँ, तो जो प्रेगनेंसी थी वो सही नहीं थी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी, तो डॉक्टर ने टर्मिनेट कर दिया था उसको, मेडिसिन वगैरह देके किया था। काफी लोग आप में से कह रहे थे जिन्होंने उस टाइम के वीडियो देखे होंगे कि आप डीएनसी करा लीजिए, डीएनसी करा लीजिए, लेकिन मैं बहुत डर रही थी डीएनसी कराने के लिए, इसलिए फिर मैंने क्या है डॉक्टर ने मेडिसिन देके मुझे घर भेज के टर्मिनेट करवा दिया था। लेकिन वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सेम समझ लो जैसा आपको लेबर पेन होता है वैसा ही पेन हुआ था उसमें भी। और उसके बाद में आपको बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, वो आपके लिए बहुत मतलब आपके लिए बहुत ही अपसेट करने वाली चीज हो जाती है। तो वही हुआ था मेरे साथ में। उसके बाद अभी 2 साल बाद जब मैंने कंसीव किया तो 3रा महीना जैसे ही लगा था नंदनी यहाँ आई थी, और हमारा ये जो घर है वो भी शिफ्ट हुआ ही हुआ था उस टाइम पे, हमने शिफ्टिंग भी की थी और शिफ्टिंग के बाद में ही ऐसा हो गया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि नए घर में आए क्या, ये घर सही नहीं है, ये घर हमें सूट नहीं किया, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, ऐसा क्यों हो गया अचानक से। मतलब मुझे बहुत तेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी अचानक से 3रे महीने में, जिसकी वजह से फिर मैं एक बार डरी कि शायद वैसे ही मेरे साथ फिर हो रहा है जैसा एक बार हो चुका है। फिर भागते भागते हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मिली नहीं, हमने कैजुअल्टी में जाके दिखाया उसमें इमरजेंसी में, तो डॉक्टर ने कहा तुरंत जाके आप अल्ट्रासाउंड कराओ। तो डॉक्टर से बात हुई फोन पे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि आपको ब्लीडिंग क्यों हुई है। तो फिर मैंने तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड हमने रात में कराया था, आप लोगों को बताया था, 3-4 घंटे मुझे बहुत ब्लीडिंग होती रही थी क्योंकि यहाँ ये ऑफिस से आए फिर हम हॉस्पिटल गए, कैजुअल्टी में दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला, और उस दिन छुट्टी वाला दिन था, पता नहीं क्या था, कोई भी अल्ट्रासाउंड वाला ओपन नहीं था, बहुत मुश्किल से एक अल्ट्रासाउंड वाले जो है एक अल्ट्रासाउंड वाले मतलब ओपन मिला हमें, तब पता चला कि मुझे सब कोरियोनिक हेमरेज था जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर को मैंने बताया कि मुझे एक जो है क्लॉट आया था, ब्लीडिंग बहुत हुई थी, फिर डॉक्टर ने समझा, उसके बाद में मुझे टोटल बेड रेस्ट दे दिया था, वो महीने सवा महीने बेड रेस्ट था, और वो उस टाइम था कि वो भी आपके लिए डिप्रेशन वाला था क्योंकि अचानक ऐसा हुआ, 2 महीने निकल गए, 3रे महीने में ऐसा हुआ, 3रा महीना भी आई थिंक कम्प्लीट होने वाला था तब मुझे बीच में हुआ, क्योंकि जब ये जो सब कोरियोनिक हेमरेज होता है वो कभी भी हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में हो सकता है। तो बेड रेस्ट बताया तो मैं पूरे दिन बेड पे यहाँ पे लेटी रहती थी, लेटे 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 मेरी बहुत कमर दुखती थी, बहुत ही मतलब बेड रेस्ट टोटल करना बहुत मुश्किल होता है, जब आप एक चलते फिरते इंसान हो और आपको बेड रेस्ट दे दिया जाए आपका शरीर खराब हो जाता है, आपका जब शरीर रेस्ट पे चला जाता है तो आपका माइंड भी रेस्ट पे चला जाता है, फिर आपका दिमाग भी काम नहीं करता है। वो टाइम काफी अजीब था, आप लोगों को तो पता ही है, किसी काम में मन नहीं लगता था, वीडियो वगैरह बनाने में मन नहीं लगता था, कुछ भी करने का मन नहीं होता था, ऐसे में मतलब आपकी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव होता है, और उस टाइम पे कोई अगर वीडियो वगैरह भी मैं कभी डालती थी, कभी कोई निगेटिव कॉमेंट आ गया क्योंकि आप पहले से डिप्रेस हो इस चीज को लेकर, तो मैं तो कई बार कभी कभी क्या अकेले में रोती रहती थी, वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि कैमरे के पीछे की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी सामने नहीं आती हैं, क्योंकि कैमरे की लाइफ सोशल लाइफ अलग होती है, पर्सनल अलग होती है, तो कई बार मैं रोती रहती थी, जाते थे क्या हो गया, मैं कुछ नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने लगी, मतलब बहुत मेंटली भी टूट गई थी मैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने बेड रेस्ट किया, जो सारी चीजें डॉक्टर ने बताई, खाने पीने की दवाइयां दी, हार्मोन्स सपोर्ट के लिए जो टेबलेट देती है डॉक्टर, इंजेक्शन देती है, पर वीक मुझे इंजेक्शन लगता था। आप में से काफी लोग पूछते भी हैं, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि स्टोरी हमें क्यों बता रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस मेरी फीमेल है, औरतें हैं जिनको कोई ना कोई अगर इस प्रॉब्लम से गुजरता है तो उन्हें हेल्प मिल सकती है, और पूछते हैं तो उनके सवाल का जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है,
तो फिर क्या है कि उन्होंने मुझे हार्मोन सपोर्ट के लिए दवा दी, जो मुझे डेली दो दो टेबलेट खानी थी, जो कि अलग अलग नाम से आती है और भी नामों से आती है। तो उसके बाद में मुझे पर वीक इंजेक्शन भी दिया जाता था, जो कि मुझे हर हफ्ते लगवाना होता था। तो मैं यहीं पे उनको बुला लेती थी क्लिनिक से, वो यहीं पे मुझे लगा जाती थी, तो वो मुझे इंजेक्शन भी लगता था। फिर धीरे धीरे क्या है कि वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट हुई जब मैंने अगली बार अपना अल्ट्रासाउंड कराया, जिस टाइम के बाद डॉक्टर ने बोला था, तो मेरी जो हेमरेज वाली प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई थी। तो उस टाइम पे नंदिनी थी तो मुझे काफी सपोर्ट मिल गया था, महीना सवा महीना अच्छे से, क्योंकि उसको तो इतना ही आना था कि यहाँ पे हमारा शिफ्टिंग हो जाए, उसके बाद चली जाती, लेकिन मजबूरी में उसे उस टाइम पे रुकना पड़ गया था। काफी लोग उसको भी लेके बहुत ताने देते हैं कि ये है वो है, वो बच्ची है शायद, उसको आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो उतने दिन के लिए आई थी, फिर वो चली गई, उसके एग्जाम आ गए थे। उसके बाद में मेरे 4-5 महीने जो है जनवरी से लेके 9 मंथ तक, जो मेरा मई तक था, वो टाइम मैंने अपना अकेले काटा। 5 दिन बाद मेरी डिलीवरी थी, 5 दिन ही, 5वें दिन मेरी डिलीवरी हो गई, तब दीदी आ गई थी। तो मुझे फिर मतलब ये था कि डिलीवरी टाइम कोई आ जाएगी तो मैं बहुत घबरा जाऊंगी, अकेले कैसे सब मैनेज होगा। बाकी मैंने अपना धीरे धीरे, भले ही मुझे कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, फिर 1-2 कॉम्प्लिकेशन और भी आए थे बीच में, इन बीच में 5 महीनों में और भी कॉम्प्लिकेशन आए, जिसमें कि एक बार मेरा जो फ्लूड लेवल था वो काफी कम हो गया। जब मैंने 5वें महीने में जाके टेस्ट करवाया तो मेरा फ्लूड लेवल निकला था 3 सेंटीमीटर, जो कि काफी कम था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजह से आपके जो बच्चे का है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि फ्लूड लेवल ही कम है, क्योंकि जब फ्लूड अच्छा होगा तो बच्चा उसमें तंदुरुस्त बनेगा। तो उसके लिए फिर डॉक्टर ने मुझे सैचेट दिए थे ARG9 के नाम से, जो लोग के फ्लूड कम होता होगा उनको पता होगा डॉक्टर देती है, उसमें बार्ली वाटर, राइस वाटर, और उसके बाद में कर लेना, खीरा, सलाद, ये सारी चीजें, मतलब पूरे दिन में कुछ ना कुछ पानी वाली चीजें। वो लगभग 2 से 3 लीटर पानी भी लेती थी, टोटल जो लिक्विड था मैं 4 से 5 लीटर लेती थी सारी चीजें मिला के। तो पूरे दिन जब ये ऑफिस जाते ना, पूरे दिन में इसी में लगी रहती है, अभी चावल का पानी छान के निकाल रही हूँ, अभी बार्ली वाटर उबाल रही हूँ, उसके बाद में बटर मिल्क ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, उसके बाद में कर्ड ले रही हूँ, कभी खीरा दही मिला के ले रही हूँ, ये चीजें मैं लेती रहती थी ताकि जो फ्लूड का लेवल है वो एक मतलब सही कंडीशन में आ जाए, एवरेज हो जाए। तो ये सारी चीजें मैं लगी रहती थी, तब भी डर लगा रहता था। उसके बाद में जो एक डर था ना, वो डर नहीं निकलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि एक चीज खत्म हुई तो दूसरी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर क्या है कि वो करते 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 फिर हमने दोबारा, जब डॉक्टर ने बुलाया कि 1 महीने बाद चेक कराना, 1-1.5 महीने बाद हमने चेक कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरा फ्लूड लेवल सही हो चुका था, 3 से 18 हो चुका था। क्योंकि मैंने उस टाइम पे प्रॉपर उसी में ध्यान रखता था कि फ्रूट बनाना है, खाना तो मैंने कमी कर दिया था, इस वजह से मेरा ज्यादा वेट नहीं बढ़ा था उस टाइम पे। और ये भी बोलते थे कि कार्ब्स वाली चीजें ज्यादा ना लो, रोटी कम खाओ, ये 2 रोटी से ज्यादा मुझे नहीं खाने देते थे, खाना मेरे को 2 रोटी ही मिलती थी, उसके बाद में सारा मैं मतलब लिक्विड ही लेती थी। वो मुझे मतलब भूख भी कम लगती थी, क्योंकि आपका सारा लिक्विड से पेट भर जा रहा है, तो उतनी भूख नहीं लगती थी, और ये मुझे खाने भी नहीं देते थे, और सारी चीजें लगभग मतलब कमी सी हो गई थी, सब ऐसे ही बेस्वाद खाना रह गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो खत्म हुआ तो 8 मंथ में पता चला कि मुझे थायराइड निकल आया, मतलब अब कुछ जो रह गया था वो भी कसर पूरी हो गई। तो फिर मुझे 50 mg की थायराइड की टेबलेट भी दी थी डॉक्टर ने। 7वें महीने के बाद में मुझे थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे आप काम करते हो तो आपको दिक्कत आती है, लेकिन मुझे ये लगा था कि मैं काम करती रहूंगी तो मेरी डिलीवरी जो होगी स्मूथ हो जाएगी। तो मैं अपना धीरे धीरे करती थी, जल्दी जल्दी नहीं करती थी, अपना कछुए की चाल से दिन भर मैं अपने घर के काम छोटे छोटे रेस्ट कर लिया, फिर निपटाया, फिर रेस्ट कर लिया, फिर निपटाया, ऐसे ऐसे मैं दिन भर अपने काम निपटाती रहती थी। सुबह खाना बनाया तो बीच बीच में रुक रुक के आके बैठ गए, फिर हवा में बैठ गया, से काम करते करते पूरा मैं 9 मंथ तक अपना घर का काम प्रॉपर करती रही हूँ। भले कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बाद में नहीं, जब बेड रेस्ट बताया तभी बताया था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा था मुझे करने के लिए, कह रहे थे घर के काम कर सकते हो, आराम आराम से करो, घर पे कोई देख रेख के लिए लेकिन होना चाहिए। लेकिन वो भी ये ऑफिस चले जाते थे तो कोई नहीं रह पाता था, हमने कोशिश की थी कोई ना कोई घर से आ जाए, लेकिन किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई नहीं आ पा रहा था। तो फिर क्या है कि बीच में मुझे काफी डिप्रेस हो जाती थी, मैं अकेले थी, आयान भी उस टाइम स्कूल नहीं जाता, पूरे दिन उदम करता, बीच में सो भी नहीं पाती मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहता है इसका। तो शाम को मतलब मैं पूरे दिन में इतनी अपसेट हो जाती थी, आप सोच सकते हो पूरे घर में अगर इस टाइम पे आप अकेले हो तो अपसेट हो जाओगे। तो शाम होते होते जब इनका आने का टाइम होता तो मैं पूरी अपसेट हो जाती थी, लेकिन फिर भी जब ये आते थे तो मैं मतलब स्माइल करती हुई मिलती थी कि
चलो जो है लेकिन भाई कई बार अपसेट हो जाती, टेंशन में बैठी रहती, कभी रोने लगती, कभी कुछ। तो धीरे धीरे वो टाइम निकल गया और जब लास्ट टाइम आया था तब थोड़ा सा प्रॉब्लम और हो जाती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी, जैसे जैसे आपका डिलीवरी टाइम आने वाला होता है वैसे वैसे आपको जो है मतलब चलने फिरने में सब कामों में दिक्कत होने लगती है।